400 सीट के जो वादे है ये टीवी तक ही सीमित है। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है क्या? के अंदर जमीनी हकीकत जो है भाई बहुत बुरी है। आज दुकानदार परेशान है, रेडी वाले परेशान है, हर गरीब तबके का आदमी जो आज परेशान है। साल पहले वादे किए थे मोदी जी ने बहुत सारे कि अच्छे दिन आएंगे, तो लगा नहीं है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार के वादे करे थे और उसमें से जो है अब तक जीरो है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं इन्होंने बनवाई, कोई इन्होंने एम्स नहीं बनवाया, सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम कराया, लोगों को जो है हिंदू मुस्लिमों में बांट दिया। आज जो है हमारा भाईचारा बिल्कुल ख़राब कर दिया। भरोसा किस पे कर रहे हैं 2024 में? 2024 में भरोसा भाई कांग्रेस को करना चाहिए। राहुल गांधी एक यंग नेता है और भाई पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उनके ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। 10 साल मोदी को दे दिए, 5 साल ऐसे राहुल गांधी को भी देके देख लो, क्या पता भाई ये युवा फिर रहे हैं। आज युवाओं का आप हाल देखिए, युवा इतने आज खाली फिर रहे हैं। राहुल गांधी को देना चाहते हैं भाई साहब, आप क्या कहेंगे बताइए, किस पे भरोसा है इस बार? मोदी जी पे है, तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, या इस बार परिवर्तन होने वाला? सबसे पहला मेरा सवाल ये है, हम मोदी जी पे भरोसा क्यों करें? एक प्रधानमंत्री 10 साल में कुछ नहीं कर पाया। आज प्रधानमंत्री सीना ठोक के कह रहा है मैं 400 पार जा रहा हूँ। 10 सालों में बदल दिया, देश बदल रहा है? देश नहीं बदल रहा, सिर्फ मोदी जी के जुमले बदल रहे हैं। देश नहीं बदल रहा, देश वही है जो 10 साल पहले था। आज 100 रुपये में से 80 रुपये हमारे पे कर्ज है, हर 100 रुपये में। तो देश जो बनता है ना वो इकोनॉमी से ग्रोथ होता है। और जो 400 पार अगर मोदी जी ये बोलते ना कि 400 पार हम सिलेंडर कर रहे हैं, तो शायद महिलाएं, हमारे घर का बजट जो है ना वो अच्छा बनता। और दूसरी बात ये है, मोदी जी क्या विज़न देंगे देश को? एक जो अनपढ़ आदमी होता है ना, अनपढ़ आदमी, वो पता क्या करता है गली मोहल्ले में? चंदे इकट्ठे करता है, आज मैं जागरण कराऊंगा, आज मैं ये कराऊंगा। मैं पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना वो बच्चों को पढ़ाता है। नेहरू जी जो थे वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने उस टाइम IIT बनवा दी, उस टाइम एम्स बनवा दिए, उस टाइम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनवा दिए, जब भारत की तरफ तो कोई देखता नहीं था, 80% हमारी जनता जो थी निरक्षर थी, उस टाइम उन्होंने एम्स बनवा दिए। इस 10 साल में मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई IIT की टक्कर का इंस्टीट्यूशन है? नहीं है। 62% बेरोजगारी देश में बढ़ चुकी है, हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जिससे हमारा कंपेयर किया जाता है। सब आपको क्या लगता है, इधर आइए, क्या क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में? इसमें ये लग रहा है राहुल गांधी जी आएंगे, मोदी जी की कहीं से कहीं लहर देखने कह रहे हैं। 400 सीटें आ रही है हमारी भाई, कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं उनको? 400 सीटें आ रही हमारी, जुमलेबाजी है ना सब कुछ, उन्होंने सब कुछ फिक्स किया हुआ है। अगर वो देखें, जनता को देखें, तो कोई किसी के मुँह से नहीं लगेगा कि मोदी जी आ रहे हैं, उन्होंने खुद फिक्स किया हुआ है। जनता नहीं चाह रही कि इस बार मोदी जी बने? बिल्कुल भी, जनता एक शिक्षित प्रधानमंत्री को चाहेगी। 10 साल में कुछ नहीं हुआ अभी तक है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहेंगे जी। कल हमारी बहन आई है प्रियंका गांधी, जिस प्रकार से जनसैलाब था शहर के अंदर, तो ऐसा लगता है बिल्कुल सुजानपुर में परिवर्तन हो सकता है, जिस तरीके से कल रोड शो उन्होंने किया था, बिल्कुल काफी भीड़ गई थी उसमें, तो आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल जी, हाथ ही बदलेगा हालात, बिल्कुल बदलेगा, और बदलेगा हालात जी, बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल। तीसरी बार नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो करेगी विकसित भारत बनाएंगे हम जी, मोदी जी दूर की बात है, मेरा अगला वनपाल नहीं चाहिए यहाँ, बहुत बेकार है बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल जी, मोदी जी बहुत दूर की बात है, मेरा कहना है सबसे पहले अपना कैंडिडेट देखे, और इमरान मसूद जैसा नेता मैं नहीं चाहता यहाँ पे होगा कोई। तो भाई साहब आप भी इमरान मसूद जी को चाह रहे हैं? इमरान मसूद को चाह रहे हैं आपका? मेरा नाम आयुष गोडियाल है। अच्छा, आयुष भाई तो आप भी इमरान जी को चाह रहे हैं? चाह रहे हैं जी। अच्छा अच्छा भाई साहब, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, इस बार परिवर्तन होगा यहाँ? जी परिवर्तन है पूरा पूरा सहारनपुर में जी जी। अच्छा ये बताइए, सरकार फिर किसकी चाह रहे हैं दिल्ली में? है ये दिल्ली में सरकार हाथ के बन जाएगी? हाथ के बन जाएगी? हाँ। कमल का फूल नहीं? नहीं, पेंशन का फूल। इन्होंने तो पेंशन भी बंद कर दी भाई, गवर्नमेंट जॉब में थे क्या जी? तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस ही आए, कम से कम पेंशन मिलने लगेगी पुरानी? जी जी। राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से भरोसा दिला रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छा काम होगा? हाँ अच्छा होना चाहिए, होगा भी। मोदी जी को नहीं चाह रहे? नहीं, मोदी जी क्या कर रहे हैं बताओ, बच्चों को रोजगार दिया कहीं इन्होंने? बच्चे कह रहे कि 10 सालों में हमने बदल दिया देश की, देश की दिशा बदल रहे हैं, देश की दशा बदल रहे हैं, बदल रहे हैं यंग बच्चे, तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं। आम जनता का बदलाव नहीं हो रहा? नहीं कुछ। आम जनता के साथ भाई साहब बताओ, ये तो बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं बच्चों के हालत खराब है। हाँ? जी बिल्कुल खराब है। आप बताओ इस बार क्या लग रहा है? इस बार राहुल गांधी जी आएंगे? मोदी जी नहीं? मोदी जी नहीं चाहिए इंडिया में मोदी जी? अरे क्यों नहीं चाहिए भाई मोदी जी? ना, उन्होंने बहुत कर्जा ले रखा है। कर्जा ले रखा? बिल्कुल, गूगल पर सर्च कर लो आप कि सबसे कर्जा लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वर्ल्ड के सर्च किया है गूगल पे, सर्च आ गया, वर्ड बढ़ गया है बिल्कुल। वोट नहीं डालेंगे? नहीं, राहुल गांधी के साथ? राहुल गांधी के साथ हैं सर, हम राहुल गांधी के साथ हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने 5 साल से उनकी सरकार है, उन्होंने 4 साल रोजगार के बारे में कुछ नहीं बोला। लास्ट साल जब उनका इलेक्शन का टाइम आया तो उन्होंने एकदम ही सारी वैकेंसी दे दी, उसमें भी सीटें कम है, छात्र सड़क पर है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, छात्रों के ऊपर
पुलिस डंडे मार रही है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो इसके लिए हम राहुल गांधी जी को लाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी शिक्षा के लिए बात करी है। राहुल गांधी पे भरोसा है जी? बिल्कुल, राहुल गांधी जी पे भरोसा है। जी पे भरोसा नहीं बचा क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बार बनाइए विकसित भारत का संकल्प लेके आगे जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे 47 तक जी, कहीं से कहीं तक भी नहीं आने के मोदी।